Hello, Comrade family. So here I am, Lara Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of IDEL Mumbai University, then this video is for you. अगर आप IDEL से कोर्स कर रहे हो BA BCom मुंबई यूनिवर्सिटी से, देन ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू IDEL. सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि IDEL के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या नई अपडेट आई है. सो वो न्यू अपडेट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल है वो गिवन है. एग्जामिनेशन फॉर फॉर्म फॉर ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर ओल्ड रिपीटर स्टूडेंट्स सेमेस्टर पैटर्न. सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटी केटी के एग्जाम देने हैं जिनको, तो यहाँ पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं. ओल्ड या रिपीटर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर हम सेमेस्टर पैटर्न की बात करें, सो यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न में आपको बहुत सारे अपडेट्स गिवन हैं. एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द ओल्ड रिपीटर स्टूडेंट CBCS एक सेमेस्टर पैटर्न स्कीम जो है उसमें आपका फर्स्ट ईयर BSc का गिवन है. ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर MSc का गिवन है. एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड रिपीटर स्टूडेंट फॉर CBCS सेमेस्टर पैटर्न TYBA एंड TYBCom सेमेस्टर 5th जैन एंड जुलाई सेशन जो है, तो IDEL के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस ओपन लर्निंग है IDEL है, उसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल कराए गए हैं. एंड उसकी जो आपको डेट गिवन थी वो डेट यहाँ पर हमें शो हो रही है. एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी एटी केटी के एग्जाम्स देने थे एंड उनको जो फॉर्म फिल करना था. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन फॉर्म किस किस के लिए गिवन है, TYBA सेम 5th का जेन सेशन का, ठीक है. एंड यहाँ पर अगर हम बीकॉम की बात करें देन TYBCom का सेम 5th जेन एंड जुलाई सेशन. तो अगर आप TYBCom सेम 5th के स्टूडेंट हैं एंड आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, सो दिस इज द लास्ट टाइम. 5th जुलाई यानी कि आज जो है 5th जुलाई है, लास्ट डेट है. सो आपको यहाँ पर आज फॉर्म फिल करना है. 2nd जुलाई 2024 से 5th जुलाई 2024 तक आपको डेट गिवन थी विद लेट फीस ₹100. ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो देन वेरी गुड. अगर नहीं किया है देन दिस इज योर लास्ट चांस टू फिल द फॉर्म. एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं TYBCom सेम 5th में, उनसे वीडियो शेयर करें. एंड अगर किसी ने भी नहीं फिल किया है देन दिस इज चांस आपको 5th जुलाई तक फॉर्म फिल करना है. तो यहाँ पर अगर आप देखते हो एग्जामिनेशन फीस जो गिवन है, अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के साथ आप लेट फीस 100 करोगे, दो सब्जेक्ट है तो कितना फीस रहेगा 680 रहेगा, एंड तीन सब्जेक्ट है तो 1320 रहेगा, उसके साथ जो है आपका वहां पर ₹100 जो है वो लेट फीस रहेगा. सो दिस इज योर लास्ट चांस. अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है देन आपको अभी फॉर्म फिल करना है बिकॉज 5th जुलाई इज द लास्ट डेट. So, अगर आप थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th के या TYBA सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपको यहां पर जो एटी केटी आपको एग्जाम्स देने हैं उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कौन सी डेट तक फिल करना है. देखो लिंक फुल जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है उसका लिंक यहां पर आपको साफ साफ गिवन है. ठीक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे एंड देन वहां पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं. सो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा. इसी तरीके की अपडेट और हम डिस्कस करते हैं. एंड आपको बीकॉम के सारे ही कंटेंट, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं. सो अगर आपको कोई भी लेक्चर्स देखने हैं देन आप चैनल विजिट कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो. नेक्स्ट वीडियोज में हम इसी तरीके की कुछ अपडेट डिस्कस करेंगे एंड कुछ लेक्चर्स करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.